शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है। एक तरफ गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। वहीं ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसलिए संजय राउत के बाद अब उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी पत्र मामले में पूछताछ की जाएगी। 6 अगस्त यानी आज वर्षा राउत को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि संजय राउत अपने अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं दे रहे थे। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में जिरह के दौरान ये भी कहा था कि वो उन लोगों को बुलाएगा। राउत के वकीलों ने तर्क दिया था कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। वहीं ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को तलब किया है। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।